मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन या बेड में स्टेमिना नहीं टिकना, अर्ली डिस्चार्ज हो जाना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों में प्रॉब्लम दिखाई देता है। जो हमने सर्वे किया उसमें हमें पता चला है कि कम से कम 80% लड़के जो है 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है। हम जब सेक्स एनालिसिस प्रोफार्मा देते हैं लोगों को और जब हमें उनके आंसर्स मिलते हैं, 80% लोगों ने लिखा हुआ है कि हमको प्री मैच इजैकुलेशन होता है, हमें खुशी होती नहीं सेक्स में, ना हम पार्टनर को खुशी दे सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो डेफिनेटली पार्टनर खुश नहीं होगी और खुद को भी ऑर्गेजम नहीं आएगा, उसके पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए अभी सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप यदि दवाई लेते हैं तो दवाई से बहुत फर्क पड़ जाता है। दवाइयों में कौन सी दवाइयाँ हैं? SSRI और बेंजोडाइजिपिन्स दवाई जो है हम देते रहते हैं। SSRI में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स है, बेंजोडाइजिपिन्स है जो हम दवाई लेते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हम इफेक्ट करके प्री मैच इजैकुलेशन में काम में लाते हैं। तो इसके साथ साथ PDE5 इनहिबिटर्स, इसका मतलब सिलानाफिल, टाडालाफिल, एवेनाफिल, वर्दानाफिल, ये जो है टैबलेट के फॉर्म्स अलग अलग, केमिकल नेम्स अलग अलग है, केमिकल्स अलग अलग है, तो वो हम देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये हो गया कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको और कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से उनको प्री मैच इजैकुलेशन हो रहा है, तो उनके लिए बहुत काम में आएगा। अदरवाइज प्री मैच इजैकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है उसके लिए हम बताते हैं मास्टरसन जॉनसन टेक्निक, एक जिसको हम अमेरिकन मेथड बोलते हैं, स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट टेक्निक है, या फिर कीगल्स एक्सरसाइज है। तो ये हम करते हैं तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होता है। इन जनरल क्या है कि प्री मैच इजैकुलेशन है साइकोलॉजिकल है, 99% कारण साइकोलॉजिकल होता ही है और ये अच्छा होने वाला है, मगर लोग इसकी ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, खुद को गिल्टी समझते हैं, पति पत्नी में इसकी वजह से झगड़े होते रहते हैं, डिवोर्स होता है, तलाक हो जाता है, क्योंकि यदि पत्नी खुश नहीं है तो डेफिनेटली वो अलग हो जाएगी और फिर इससे बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसका इलाज करना जरूरी है, इसका इलाज कीजिएगा ताकि आप आपका वैवाहिक जीवन सुख से जी सकोगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखी जाने के लिए, आनंद से जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।